मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाने वाली जीवनदायिनी मां नर्मदा के तट पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तटीय क्षेत्रों के पास 5 किलोमीटर के भीतर शराब बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन फिर भी शराब निर्माताओं और शराब के कारोबारियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि आज भी बड़ी मात्रा में शराब का अवैध निर्माण नर्मदा पट्टी में किया जाकर कारोबार बड़े स्तर पर जारी है। ऐसी ही सूचना पर आज आबकारी विभाग की एक संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम बरखेड़ी सेमलदा में कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान अवैध शराब बनाने वाले कारोबारियों से आबकारी मनावर में लगभग 2200 किलो महुआ लहान और 120 लीटर कच्ची शराब जब्त की, साथ ही 54 ड्रम भी जब्त की। जब्त की गई शराब और लहान की कीमत लगभग 1,20,000 रुपये बताई जा रही है। हैरत की बात यह रही कि मनावर कुक्षी गंदवानी धर्मपुरी की संयुक्त आबकारी टीम ने जब्त किया हुआ महुआ और लहान अवैध शराब माँ नर्मदा नदी में बहा दी। इस बात से माँ नर्मदा नदी के प्रति श्रद्धा रखने वालों की भावना को ठेस पहुंची है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या इन अधिकारियों पर कोई कार्रवाई होती है या नहीं। आज दिनांक को शिवराज सहायक आयुक्त के आदेश पर उनके द्वारा टीम गठित की गई। आगे तो शराब का व्यापार चूँकि तेजी से बढ़ रहा है और इस पर उन्होंने टीम गठित करी, जिसमें व्रत गंधवानी, व्रत मनावर, व्रत धर्मपुरी, व्रत कुक्षी, उनकी सारे मतलब संयुक्त रूप से हम लोगों ने नर्मदा नदी के किनारे कार्रवाई की, जिसमें मुख्यतः ग्राम सेमलदा, पेरखंड एवं बड़दा तीनों में हम लोगों ने गोताखोर और अन्य व्यक्तियों की मदद से 54 ड्रम जब्त किए, जिसमें नदी के अंदर से भी जब्त किए। कुछ लोग नाव में ड्रम लेकर भागने में सफल भी हुए इस बीच, किंतु हमने कार्रवाई करते हुए 2200 केजी महुआ लहान पकड़कर नष्ट किया, जिसकी कीमत लगभग 1,00,000।